चलिए आगे अब बढ़ते हैं, बात अब छत्तीसगढ़ की इससे मिल रही खबर की करते हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार थमी है और छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में 1147 नए मरीज मिले हैं। 283,515 अब संक्रमितों की संख्या इसी के साथ पहुंची है। रायपुर में 140, दुर्ग में 139 नए मरीज मिले हैं और बीते 24 घंटे में कोरोना से 10 लोगों की मौत हुई है। कोरोना से अब तक 3,412 लोगों की मौत हो चुकी है और एक दिन में 1,170 नए मरीज जो मिले थे वो स्वस्थ हुए हैं और अब तक 270,347 मरीज स्वस्थ हुए हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 9,767 एक्टिव केस हैं। तो छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार कम हुई है और ये प्रदेश के लिए एक राहत भरी खबर है, लेकिन लगातार संक्रमितों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है और रिकवरी रेट की अगर हम बात करें तो वो भी अच्छा है, लेकिन जो अब लोग हम ये देख रहे हैं कि जो नए संक्रमित मिल रहे हैं उसमें डेथ रेशियो ज़्यादा पाया जा रहा है। तो 24 घंटे में 10 लोगों की मौत हुई है, ये बेहद ही चिंतनीय विषय है और एक्टिव मरीजों की संख्या इसी के साथ 9,000 के ऊपर पहुंच चुकी है। तो छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे में लगातार संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, लेकिन अब रफ्तार भी थोड़ी कमी देखने को मिल रही है। तो 1147 नए मरीज मिले हैं, 283,515 संक्रमितों की संख्या पहुंची है। रायपुर की बात करें तो रायपुर में रोजाना 100 के ऊपर ही आंकड़ा पहुंच रहा है, 140 नए मरीज मिले हैं। दुर्ग में 139 और बीते 24 घंटे में कोरोना से 10 लोगों की मौत हुई है। ये थोड़ा सा चिंतनीय विषय इसलिए है क्योंकि 24 घंटे के दौरान 10 लोगों की मौत होना ये प्रशासन के लिए चिंताएं बढ़ा सकता है। हालांकि क्या कुछ अब व्यवस्थाएं की जा रही है ये देखना होगा, लेकिन लोगों को भी अपनी जिम्मेदारियां समझनी होगी। आदित्य मेरे सहयोगी अधिक अपडेट्स के लिए जुड़ चुके हैं। आदित्य, ये राहत भरी खबर है प्रदेश के लिए कि कोरोना की रफ्तार में कमी देखने को मिल रही है छत्तीसगढ़ में, लेकिन बीते 24 घंटे में 10 लोगों की मौत हो गई, ये थोड़ा सा चिंता बढ़ाता है। देखिए, मौत के आंकड़े रोज बढ़ रहे हैं, यही सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है। देखिए, पॉजिटिव केस बढ़ेंगे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जितनी ज्यादा टेस्टिंग होगी पॉजिटिव केस बढ़ रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं ये निश्चित तौर पर माथे पर शिकन देने वाले हैं, क्योंकि मौत जो है वो अब ज्यादा हो रही है। पहले 2 से 3 मौत, फिर 5 मौत, फिर बीच में 20 से 25 मौतें भी गई थी, अभी मौत फिर 10 के आसपास रोज हो रही है। ये थोड़ा चिंता का विषय जरूर है, क्योंकि डॉक्टरों से जब बात हो रही है, हालांकि सेकेंड स्ट्रेन का भी एक भी मरीज यहाँ पर नहीं आया, लेकिन जो मरीज पहुंच रहे हैं अस्पताल वो बेहद गंभीर स्थिति में पहुंच रहे हैं, उनको बचाना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। तो एहतियात रखने की जरूरत है, जब तक वैक्सीन नहीं आएगी दूसरा कोई बचाव नहीं है, आपको मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। रायपुर में देखिए 753 मौतें अभी तक हो चुकी है जब से कोविड शुरू हुआ है। राजधानी रायपुर मौत के मामले पर सबसे ज्यादा आगे है, 3-4 जिलों में सबसे ज्यादा कोविड के पेशेंट हैं, और कल भी जो आंकड़े सामने आए बताने के लिए काफी है कि अभी स्थिति सुधरी नहीं है, स्थिति लगातार चिंताजनक होते जा रही है। बिल्कुल, ये रफ्तार भले ही कम हुई हो लेकिन जो संक्रमित मरीज है उनके मरने का आंकड़ा काफी ज्यादा बढ़ता जाता है और यही चिंता का विषय बना हुआ है। आदित्य, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हालांकि ये अब लोगों को समझना होगा कि जब आप बाहर निकलते हैं तो मास्क का उपयोग जरूर करें, इसके साथ ही जो तमाम गाइडलाइन जारी की जा रही है कोरोना को लेकर उसका पालन जरूर करें।